मैं हूं नफीसा खान और आप देख रहे हैं बोल्ड स्काई। आज हम बात करेंगे टेंपल हेयर के बारे में। टेंपल हेयर यानी कि माथे के आसपास के बाल। कई बार ये बाल झड़ने लगते हैं जिससे माथे के आसपास गंजापन आना शुरू हो जाता है। बहुत से लोग इस समस्या से परेशान हैं। लड़कियां ही नहीं लड़कों के लिए भी ये परेशानी का सबब होता है। कसकर की गई पोनीटेल में तो टेंपल हेयर का गंजापन और भी ज़्यादा साफ दिखाई देता है और इस वजह से कहीं ना कहीं आपकी पर्सनालिटी पर बुरा असर भी पड़ता है। इसीलिए आज हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ ऐसे घरेलू उपायों के बारे में जिसे अपनाकर आप इस समस्या से बहुत हद तक निजात पा सकते हैं। बात करेंगे सबसे पहले ऑलिव ऑयल की। ऑलिव ऑयल यानी कि जैतून का तेल बालों के लिए बेहद फायदेमंद होता है। इसके इस्तेमाल से बालों से जुड़ी बहुत सी परेशानियां दूर होती हैं। टेंपल हेयर के लिए भी ये काफ़ी अच्छा माना जाता है। आपको करना ये है कि 2 टेबलस्पून जैतून के तेल को 2 सेकंड के लिए गर्म कर लें। माथे के आसपास जिस जगह पर बाल कम है 15 मिनट इस तेल से हल्की हल्की मसाज करें। आधे घंटे तक इसे लगा रहने दें। इसके बाद माइल्ड शैम्पू से धो लें। हफ्ते में 2 बार आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बात करेंगे एलोवेरा की। एलोवेरा स्किन और बालों दोनों के लिए बेहद फायदेमंद है। झड़ते बालों के लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और सबसे अच्छी बात यह है कि एलोवेरा का इस्तेमाल करने से आपको किसी भी तरह का कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। आपको करना यह है कि 1 टेबलस्पून एलोवेरा जेल को 1 घंटे के लिए माथे के आसपास जहां बाल कम है लगा लें। इसके बाद शैम्पू से बालों को धो लें। आप इसे हफ्ते में 3-4 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करेंगे प्यास की। त्वचा से संबंधित बहुत सी परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए प्याज का रस बेहद फायदेमंद है। झड़ते बालों से परेशान हैं तो प्याज का रस इसके लिए बेस्ट है। प्याज के रस का जूस निकालकर इसे माथे की हेयर लाइन पर 15 मिनट के लिए अप्लाई करें। इसके बाद शैम्पू से बालों को धो लें। आप ऐसा हफ्ते में 2-3 बार कर सकते हैं। बात करेंगे ग्रीन टी की। सेहत के लिए बेस्ट मानी जाने वाली ग्रीन टी बालों के लिए भी किसी वरदान से कम नहीं है। बात करें अगर इसके घरेलू उपचार की तो अगर आप 2 बैग ग्रीन टी को 1 कप गर्म पानी में डाल दें, ठंडा होने पर इससे बालों के जड़ों की मसाज करें। इसके 30 मिनट बाद बालों को शैम्पू से धो लें। इससे बालों के डैमेज सेल दोबारा रिपेयर होते हैं। आप हफ्ते में इसे 2-3 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। बात करेंगे आलू की। आलू से भी आप झड़ते बालों की परेशानी से राहत पा सकते हैं। अगर आप 2 मीडियम साइज़ के आलूओं को पानी में उबाल लें और इस पानी को ठंडा कर लें, इस पानी से बालों को धोएं। आप चाहें तो इससे बालों की मसाज भी कर सकते हैं। इसे हफ्ते में 2-3 बार रिपीट करें। ऐसा करने से भी टेंपल हेयर में काफ़ी ज़्यादा निजात मिलती है। बात करेंगे नारियल तेल की। नारियल के तेल से असमय सफ़ेद हुए बाल और बालों का झड़ना बंद हो जाता है। नारियल के तेल को गुनगुना करके 15 मिनट के लिए मसाज करें और आधे घंटे बाद बालों को धो लें। बात करेंगे शहद, दालचीनी और ऑलिव ऑयल पेस्ट की। आपको करना यह है कि 1 टेबलस्पून दालचीनी पाउडर, 1 टेबलस्पून शहद, 2 टेबलस्पून जैतून का तेल बाउल में डालकर मिक्स करना है। इसके बाद बालों की जड़ों पर लगाकर 40 मिनट के लिए इसे ऐसे ही रहने दें। इसके बाद सल्फेट फ्री शैम्पू से बालों को वॉश करें। ऐसा आप हफ्ते में 2 बार करें। इससे बालों की ग्रोथ दोबारा होनी शुरू हो जाती है। बात करेंगे नीम की। नीम से रूसी दूर होने के साथ साथ बालों का ब्लड सर्कुलेशन भी सही रहता है। इसके लिए नीम के पत्तों का पेस्ट बनाकर 15 मिनट के लिए बालों में लगाएं। इसके बाद गुनगुने पानी से बालों को धो लें। इस हेयर पैक को आप हफ्ते में 4-5 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज हमने आपको बताया कि किस तरह कुछ घरेलू उपायों के ज़रिए आप टेंपल हेयर यानी माथे के आसपास झड़ते हुए बालों का इलाज कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं दी गई ये खास जानकारी आपको बेहद पसंद आई होगी। बहुत जल्द मिलेंगे कुछ ऐसी ही खास जानकारियों के साथ। फिलहाल अभी के लिए बोल्ड स्काई में बस इतना ही।